हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसमें ये कि इस चैनल में मैं रिव्यूज़ वगैरह करूँगा मोबाइल्स के और गाड़ियों के। इंशाल्लाह आगे से व्लॉग्स भी स्टार्ट होंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और भाई को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास आ चाहिए 30 है सैमसंग का, वैसे ही मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि इसमें क्या क्या एसेसरीज़ वगैरह आती हैं और क्या मोबाइल का है सिस्टम वगैरह सारा। तो ये मोबाइल का बॉक्स है, ये मेरे पास है सैमसंग का 64 GB वाला 464, ठीक है। और अच्छा जी, तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद 4000 mAh की बैटरी है। और अब आपको मोबाइल का बॉक्स दिखाते हैं कि मोबाइल के बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी ये मैंने मोबाइल खोल लिया, ठीक हो गया। ये मेरे छोटे भाई से क्लाइंट ने मेरी मदद की है। अच्छा, उसके बाद ये कि इसके ऊपर ये बॉक्स आता है, इसमें भी बताते हैं क्या क्या आपको इस जगह पर मोबाइल पड़ा होता है। अभी मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने इसलिए इससे निकाल लिया था। उसके बाद इसमें हैंड फ्रीज आते हैं जो जिनकी जो है काफ़ी अच्छा साउंड है, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह जल्द आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें सिस्टम वगैरह होता है। उसके अलावा ये टाइप सी केबल है, ठीक है, ये टाइप सी केबल है। ये मेरा मोबाइल इस पर फोकस नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता है क्यों पीछे इसके सब चीज़ें इस वजह से, ठीक है। ये टाइप सी केबल है। और उसके बाद एक अदद चार्जर आता है, फास्ट चार्जर है ये। और ये इसकी आउटपुट है, ये आप पढ़ लें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके बॉक्स के बिल्कुल एंड में ये एक सिम इंजेक्टर टूल आता है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये सबसे ऊपर जो है वो इसमें ये गाइड आती है उर्दू में, क्योंकि पाकिस्तान में आया है मोबाइल, ये इंग्लिश में। ये वारंटी कार्ड है और इसके अंदर एक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड आता है। गोल्ड मेंबरशिप कार्ड जो है वो एक साल की ऑफिशियल वारंटी होती है कंपनी की तरफ से, जो आप क्लेम कर सकते हैं। और एसेसरीज़ वगैरह पे हार्डवेयर पर आती है, सॉफ्टवेयर का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है सारा कुछ। तो ये हो गया। उसके बाद हम डायरेक्टली मोबाइल की तरफ आते हैं। तो ये मोबाइल है, इसके सबसे पहले आपको इसकी बैक दिखा देता हूँ। बहुत ही ग्लॉसी सी बैक है, ये इसके ऊपर मेरे थोड़े से उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। ये बहुत ही ग्लॉसी सी ये बैक है इसकी। जो फ्रंट है वो ये आप देख सकते हैं, एक नॉच ऊपर वो कैमरे की, बाकी सब इन्फिनिटी डिस्प्ले है इसका, वो तो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। दो कैमराज हैं और कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छी मतलब जगह पर है। उसके अलावा इसका ये कि बैक पे इसका एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। फिंगरप्रिंट सेंसर के बाद सैमसंग का लोगो है इसके नीचे। और राइट साइड पे बहुत ही अच्छी जगह पे पावर का बटन है, थोड़े से जो ये क्या नाम लेते हैं पावर वॉल्यूम बटन हैं वो थोड़े से ऊपर हैं, लेकिन ठीक है। उसके अलावा नीचे इसका है चार्जिंग पोर्ट है और साथ ही हेडफोन्स जैक हैं। नीचे स्पीकर्स आप लोगों ने भी शायद कहीं सुना होगा कि इसके स्पीकर्स का जो साउंड है वो काफ़ी कम है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। और स्टार्ट करते हैं। मोबाइल तो मतलब मैं आपको बताया मेरे यूज़ में, ये मोबाइल मैंने खोल लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो कैमरा में ये फ्रंट कैमरा ऑन हो गया, काफ़ी बाल मेरे ख़राब हुए हैं तो नेवर माइंड। बैक कैमरा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये इसका बैक कैमरा है, ठीक है। मतलब अच्छा है इसका कैमरा, आप ये नहीं कह सकते कि इसका कैमरा बुरा है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है कैमरा का। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। तो इसके बाद जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वो इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड, पहले से डाउनलोडेड होता है। और बाकी चीज़ें मैंने खुद डाउनलोड की हुई हैं। तो ये सब कुछ था गाइस इसमें, इस रिव्यू में। तो मेरा पहला रिव्यू था, तो इसके लिए ये है कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और लाइक कमेंट कर देना और साथ साथ वीडियो शेयर कर देना ताकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, और तो कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग है वो तो आप देख ही लोगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो जिस तरह की वीडियोज़ आप बोलोगे, जिस चीज़ पर आप रिव्यू बोलोगे, इंशाल्लाह उसी चीज़ पर रिव्यू लाएँगे। तो अल्लाह हाफिज़।
ख्याल रखिएगा अपना।